रहमान रहीम। लेक्चर नंबर हमारा 3 होने जा रहा है। हम I2B की क्लास से कर रहे हैं अभी। जो मेरे पास फिजिकल के स्टूडेंट हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, कोई क्वेश्चन जितना कल पढ़ाया था। कल हमने क्या पढ़ा था? ये जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, हमने इसको एक्सप्लेन करा था। उसके बाद बिजनेस एंड बिजनेस सेक्टर 3 डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस की थी, ऐसा ही है। और गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके रिवॉर्ड्स। कुछ और तो नहीं पढ़ा इसके अलावा? ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन वालों, आपने जितना ये हमने काम किया, इसको हम लोग किस तरह बुक से कैसे करेंगे? ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स में आएगी, रेंट आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि जो गैस है वो मैन मेड नहीं है। हाँ, जो गैस को लगवाने के लिए पाइपिंग प्लम्बिंग करेंगे ना, वो कैपिटल में आएगी। वो सोर्स को देखना है। नहीं, गैस जमीन से निकलती है, खुद जनरेट कर रहे हो तो फिर मैं कैपिटल कह देता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो भी करते हैं, इट्स ओके। हाँ, नेचुरल में, क्योंकि देखो एक रॉ मटेरियल निकल रहा है, आप उसको सिर्फ प्रोसेस कर रहे हो, उसमें डाल कुछ नहीं रहे हो। ठीक है, जो कपास होती है ना, ठीक है, ये जो फैब्रिक है आपका, ये भी कैपिटल कंसिडर नहीं होगा। अगर आपने शलवार कमीज सिलवानी है और ये रग होता है ना, थान होता है जिसमें सूट कटवा लिया, तो वो भी आपका कैपिटल कंसिडर नहीं होगा, वो भी आपका रॉ मटेरियल ही कंसिडर होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है? लैंड होती है। लोन का इंटरेस्ट आएगा, फ्लोर, हाँ, रेंट आएगा। ठीक है जी, ठीक है। टर्शरी सेक्टर क्वेश्चन है कि टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर का मतलब ऐसा सेक्टर जिसमें चीज़ें बना के बेची जाती हैं। मेरी बहन कहाँ पे है? कैसी हैं आप? ब्रेकफास्ट किया हुआ है? पक्की बात है, चलो आई फिर मारामारी करेंगे लेक्चर के अंदर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ? जब हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और उनको बेचना होता है। एक्चुअली में द थिंग इज, आप लोग सब इस चीज़ को माइंड में रखिए, चीज़ें प्रोड्यूस की क्यों जा रही हैं? ताकि अल्टीमेटली वो अपने कंज्यूमर तक पहुंच जाए। किस तक? कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के दरमियान जितने रास्ते होंगे उनको टर्शरी सेक्टर कहेंगे। कंज्यूमर तक पहुंचने के जितने रास्ते होंगे उनको क्या कहेंगे? टर्शरी सेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है? ग्रॉसरी शॉप्स आती हैं, जो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के दरमियान एक ब्रिज को कवर कर रही होती हैं। आप में से कितने लोग हो जो बाटा की फैक्ट्री में जाके शूज़ खरीदोगे? आज तक बाटा के शूज़ पहने होंगे ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो कितने लोग हो जो फैक्ट्री में जाके लेके आए? आई थिंक नो वन। कहाँ से लेते हो? उसकी दुकानें होती हैं। तो वो जो शॉप कीपर है वो टर्शरी सेक्टर है, क्योंकि वो दोनों के दरमियान ब्रिज को, दोनों के दरमियान गैप को क्या कर रहा है? ब्रिज कर रहा है। ठीक है, गैप है ना फैक्ट्री और आपके दरमियान। आपको क्या पता फैक्ट्री कहाँ पे है? पता है? नहीं ना पता। अगर पता होता दूसरे शहर में रहते होते तो आते, 1000 रुपये का जूता था, 1500 रुपये किराया लग जाता, ऐसे ही था ना। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुकानें बना ली ताकि ये वाला जो गैप ख़त्म हो सके। जितनी भी सर्विसेज होंगी, जितनी सर्विस इंडस्ट्री होगी, वो कहाँ पे जाएगी? टर्शरी सेक्टर में। और जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, गुजर जाए करो कैमरे के सामने से, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कहाँ पे जाएगी? सेकेंडरी में। और जितने भी रॉ मटेरियल वाली चीज़ें होंगी, प्राइमरी में। क्लियर हो गया बच्चे? और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? और पक्की बात है? लें जी, कल मैं आपको बता नहीं सका था कि आपने होमवर्क के तौर पे क्या करना है। सिंपल, ये पहले 2 पैराग्राफ है जिसमें सर्विसेज लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ये सारी बातें एक दफ़ा आपने पढ़ लेनी है। सिर्फ पढ़नी है कहानी की तरह, इनको रट्टा लगा के याद करने की जरूरत नहीं है, जो FSC वगैरह में करते रहे उसका कोई यहाँ पे नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट अभी नहीं करना, छोड़ दो। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं करना, छोड़ दो। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे, ये मिशन विजन स्टेटमेंट हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 जब ख़त्म हो जाएगा ना फिर करेंगे, इनका कोई काम नहीं है अभी। फिर हम आते हैं यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस।
तो आप लोगों ने घर पे सिर्फ इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है. क्या करना है? रीड आउट करना है, पढ़ना नहीं है. ओ सॉरी, याद नहीं करना, याद वही करना है जो मैंने आप लोगों को क्या करवाए थे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए थे. कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप LLC ई, ये याद रहेंगी बातें. बस की स्टेक होल्डर अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर चुके होंगे. तो चैप्टर नंबर 1 के लिहाज से मैंने आज आपको सारा करवा दिया. चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमने इतना ही पढ़ना था. चैप्टर नंबर 1 हमारा अभी के लिए ख़त्म हुआ. अब हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2. मैं ये क्यों करवा रहा हूँ ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होगा. जब चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होगा तो बस मैंने आपको यही चीज़ दिखानी थी. अब मैं प्रोजेक्टर ऑफ कर रहा हूँ, अगर ऑन करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं बाद में कर दूँगा. ठीक है, मैं बोर्ड यूज़ करूँगा आप लोगों के लिए और कल वाली कहानी से स्टार्ट करते हैं. आप आए यहाँ से वहाँ स्टार्ट कर सकता हूँ, पक्की बात है. अगर मैं वहाँ से यहाँ स्टार्ट करूँ तो नहीं ना सही होगा, ऐसे इंग्लिश यहीं से लिखी जाएगी ना. चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन बॉय साइड से या गर्ल साइड से, जितना भी तक पढ़ लिया दो लेक्चर्स में. जी हाँ, बिल्कुल लकड़ी से बनी है, लेकिन हम बना नहीं रहे हैं ना. जब हम बना रहे होंगे हम क्या कर रहे होंगे, फिर हमारे लिए वो रेंट होगा, लैंड होगी. दो अलग अलग लोग हैं. स्कूल बनाने वक्त हम परचेजर हैं, चेयर्स के परचेजर हैं. ठीक है, वी आर गोइंग इन द मार्केट एंड वी बाय इट. क्लियर है? और अगर मैन्युफैक्चरर होते, वी गो टू मार्केट टू बाय रॉ वुड एंड कन्वर्ट इट इनटू फाइनल फर्नीचर, देन वी विल कंसिडर इट इनटू लैंड. लैंड लैंड नॉट कैपिटल. क्लियर है? अब जैसे मैं क्रिसेंट की बात करूँ तो क्या ये जो बोर्ड है ये मैन्युफैक्चरर है? हम बोर्ड के क्या है, हम इसके बायर है ना. कितने का बाय किया होगा? 10,000? मुझे नहीं पता कितने का किया होगा, मैं तो मिसाल दे रहा था हमें. तो जब हमने बाय किया था तो तब हमारे लिए ये क्या था? कैपिटल. लेकिन अगर मैन्युफैक्चर कर रहा होता, मेरा काम ही बोर्ड का होता. किसका काम होता? बोर्ड का. मेरी दुकान है बोर्ड बनाने वाली, रियल में शाम को मैं वहाँ पर काम करता हूँ. ठीक है, तो तब मेरे लिए ये क्या होता है? लैंड हो जाती है. क्लियर है? वो पीछे वाले बॉयज को किसी गर्ल का कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्या अभी बताया तो है. जी, अब मैनमेड रिसोर्सेज कारोबार में और परचेजर के लिए दोनों दोनों अलग अलग होते हैं. मैनमेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन कीजिए. नहीं, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग समथिंग, इट्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, इट्स अबाउट हैविंग समथिंग विच इज़ मेड बाय द पीपल. हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई हो वो कैपिटल कहलाएगी. हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई हो वो क्या कहलाएगी? कैपिटल. अगर हम उससे कारोबार शुरू कर रहे हैं, दोबारा सुन लो, कैपिटल क्या चीज़ होगी? हर वो चीज़ जो किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है. किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है. बना ली इंसान ने, अब इंसान बना के बेचेगा. हम किस मकसद के लिए खरीदेंगे? ताकि कारोबार किया जा सके, ताकि कारोबार किया जा सके. सपोज करते हैं आपके घर में फर्नीचर है, मेहमान को कहीं बिठाते हो ना, तो वो आपका कैपिटल है? नहीं, वो कैपिटल नहीं है, वो बिजनेस यूज ही नहीं है. मेहमान को बिठाने के लिए कोई पैसे लेते हो? आप लोगों को नीचे दरियों पे तो नहीं ना, ज़मीन पे तो नहीं ना बिठा सकते, इस पे बिठाना पड़ेगा ना, जो ये सीन है ऐसा ही है ना. क्लियर है? तभी आप पैसे दोगे हमें, नहीं तो कहोगे भैया ने पढ़ना ही नहीं है, थल्ले बंदे ने लक पेड़ निकल आया, ऐसा ही होगा ना. तो भाई कैपिटल हर वो चीज़ जो हम अपने कारोबार में ख़रीद के लेके आएंगे, किस मकसद के लिए? बिजनेस के लिए, ताकि हम अपने कस्टमर को उससे कोई चीज़ प्रोड्यूस करके दे सकें. अगर तो वो प्राइमरी सोर्स से हुआ तो वो क्या कहलाएगा? लैंड. और अगर इंसान की बनाई कोई चीज़ हुई तो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा. बेटा समझ आई? आप बताओ मुझे कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट क्यों है?
कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट क्यों है? हाँ जी बेटा, जब मैं क्वेश्चन पूछा करूँ तो समझा करो क्लास में कोई भी नहीं है, जो भी दिमाग में है बोल दिया करो, घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई हंसे नहीं, ना बॉय ना गर्ल। तुझे आता है? हाँ, ताकि बिजनेस कर सकें, इस वजह से है? नहीं नहीं, चलो आधा आधा पचादा ठीक है आपका, लॉजिक बताओ मुझे। गोरे ने कहा था, किसने कहा था? सरकार गोरा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब होता है अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, तो अच्छी बात है ना। उन्होंने फरमा दिया था कि भाई आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप सारे के सारे मैन मेड रिसोर्सेज अपने अब्बा के पैसों से खरीद सकें, तो कहाँ से पैसे लेके आने हैं? बैंक से। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार कौन सा है? बैंक, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार कौन सा है? ताकि हमारा कारोबार चलता रहे, ठीक है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, जितनी बड़ी कंपनीज होंगी, अभी बताता हूँ सारी बातें, आज वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो कहाँ से सूद पे पैसे लेंगे? बैंक से। और उससे क्या खरीदेंगे? कैपिटल। क्या खरीदेंगे? कैपिटल। इसी वजह से जब हमने चीज़ें ही बैंक के पैसों से खरीदी तो उनका रिवॉर्ड क्या रख दिया? इंटरेस्ट, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ से? लैंड भी हो सकता है, गैस लैंड है ना? हाँ, वो कैपिटल में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल आना चाहिए उसको, मशीन आएगी उसकी कैपिटल में। और व्हाइट बोर्ड कैपिटल में भी आएगा, लैंड में भी आ सकता है। लैंड में तब आएगा जब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ इसका। मैं क्या हूँ? हाँ, इसके ऊपर जो मैं यूज मशीन कर रहा हूँ ना, इसको फॉइल करने वाली, जिसे रगड़ते हैं या इसके काटते हैं, वो कैपिटल होगा। जब ये बन के तैयार हो जाएगा फिर उसके लिए लैंड नहीं, फिर तो फाइनल प्रोडक्ट है, फिर तो गुड है, फिर तो गुड बन गया ना, ठीक है। अच्छा, आई कैप ने इतना भी नहीं सोचने को कहा था जितना आप लोग सोचना शुरू हो गए। वैसे अच्छी बात है, तीसरे लेक्चर में इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, नहीं, हाँ, बैंक का रिवॉर्ड हुआ, ऑब्वियसली, बिल्कुल बैंक का रिवॉर्ड हुआ, शाबाश, सही पकड़ा इसको। बैंक सूद क्यों देगा और लोन क्यों देगा? उसको मोटिवेशन मिल सके, ऐसा ही है ना, उसको मोटिवेशन मिल सके, इस वजह से वो देगा, अदरवाइज वो क्यों पैसे दे? क्लियर हुई बात? चलें आगे। ले जी, अभी तक तो हमने बात की थी गुड की, सर्विस की बात करते हैं आज। सर्विस में फोर फैक्टर कैसे लगते हैं? सर्विस में एफओपीज क्या कह रहे हैं? सर्विस में एफओपीज कैसे लगते हैं? सिंपल क्रिसेंट की बात कर लो यार, क्रिसेंट की बात कर लो। क्रिसेंट में एफओपीज क्या है? इसके पास लैंड है जिसको हम लैंड एंड बिल्डिंग कहेंगे, और इसके पास लेबर है, हम लोग लेबर ही तो हैं, और इसके बाद कैपिटल है, और फर्म या एंटरप्रेन्योरशिप है जो इसके मालकान हैं, डायरेक्टर हैं। क्लियर हो गई बात? इसी तरह आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक की बात कर लो, उसमें ये चीज़ें होती हैं। जिस दुकान में वो बैठा होता है उसको हम लैंड कह सकते हैं, कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो टेबल वगैरह, फर्नीचर वगैरह, उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो क्या होंगे? कैपिटल होंगे। लेबर हो सकती है, अगर कोई उसने असिस्टेंट इंजेक्शन लगाने के लिए कोई नर्स वगैरह हायर करी हुई है तो ठीक है, वो लेबर में आएगा। और फर्म क्या है? अगर वो खुद का मालिक है तो वो फर्म भी है और वो लेबर भी है। समटाइम करते हैं ना, अकेले क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, तो वो फर्म भी होगी और वो लेबर, 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 नॉट कैपिटल माय डियर। क्योंकि कैपिटल कौन सा फैक्टर है? नॉन ह्यूमन। कौन सा? नॉन ह्यूमन। और ह्यूमन कौन सा फैक्टर है? लेबर और फर्म। शाबाश, मजे की बात है, इसमें से पेपर में शायद ही कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, जो अब करवाने जा रहा हूँ उनमें से पूछा जाएगा। सिर्फ आपकी ग्राउंड सेट करनी थी ताकि आज वाली बातें समझ में आ सकें। अब हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस करना होता है, इनकी मदद से क्या प्रोड्यूस करना होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलें, गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस कर क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है?
सपोज करते हैं मैं ये वाइट बोर्ड का कारोबार करता हूँ, किसका, वाइट बोर्ड का कारोबार करता हूँ, और वाइट बोर्ड मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को ऐड करूँगा, ये साथ वाला आपके साथ वाला, हाँ जो मुझे ऐसे करके देख रहा है ये, हाँ तभी ठीक है, पक्की बात है, ज़रा सही करके देखना, सर उठा के देखते होते हैं, हाँ ये मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स को जमा करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, खामोश रहिएगा सभी, चार किसने कहा है, यहाँ से चार की मुझे आवाज़ आई है, पीछे से आई है, पीछे वाले कहेंगे वो पीछे से आई है, चले किसने बताया, झूठ नहीं बोलना, पक्की बात है, सिर्फ तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड को प्लस करेंगे तो क्या आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चर हुआ सपोज करते हैं ये बोर्ड 9000 रुपीस का, कितने का, 9000 रुपीस का, राइटिंग छोटी तो नहीं है ये, आपने मुझे खुद बताना नहीं, पीछे उन कैमरे की बात कर रहा हूं, अब बन गया, अगर इसमें मैं फर्म का क्या ऐड कर लूं, प्रॉफिट, क्या ऐड कर लूं, प्रॉफिट, तो ये क्या बन जाएगी, सेल प्राइस, क्या बन जाएगी, सेल प्राइस, मैंने भाई इसमें प्रॉफिट भी ऐड कर लिया, भाई साहब प्रॉफिट है कितने कमाना चाहता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की 9000 का बना, यार 2000 तो बचना चाहिए, यार 2000 तो बचना चाहिए, तो मैंने इसको 2000 इसमें प्रॉफिट ऐड किया, फाइनल मार्केट प्राइस क्या आई, इसको क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस, बेटा लिखिए मत, मैं आपको टाइम दूंगा फिर लिखते रहिएगा, या सेल प्राइस, तो कितनी आ गई, 11000, ये 11000 वो प्राइस है जो जिसके ऊपर आप बेचोगे और कंज्यूमर खरीदेगा, जिसके ऊपर आप बेचोगे और जिसके ऊपर कंज्यूमर खरीदेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेल प्राइस, क्लियर हो गई बात, एक छोटी सी इक्वेशन याद रखिएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस 11000 है, कॉस्ट 9000 है, और प्रॉफिट 2000 है, इक्वेशन याद रहेगी, लें जी, ये हम लोगों ने इतनी सी एक इक्वेशन याद कर ली, इसका मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा कि मोस्टली जो बिजनेस होते हैं उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, क्या मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना, सेल प्राइस को, हाँ रेवेन्यू कह सकते हो, वैसे रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, चलो ये भी समझा देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक महीने में ये 10 बोर्ड बेचे, कितने बेचे, 10 बोर्ड, टोटल सेल इन अ मंथ, कितने बोर्ड बेचे, 10 बोर्ड्स, और सेल प्राइस क्या थी, 11000, क्या थी, तो टोटल कितने का माल बेचा, उसे कहेंगे टोटल रेवेन्यू, क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू, टोटल कितने का माल बेचा, 110000 का, 11000 इंटू 10, 110000 का टोटल माल बेच दिया हम लोगों ने, ठीक है, गर्ल्स को समझ आ गई है, क्लियर है बॉयज, चले आगे, लें जी हमने इतने का माल बेचा, इसको हम क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, कैसे निकालेंगे, 9000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो क्या आ गया, 90000, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 20000, क्या इसके घर वाले खुश होंगे, वो कहेंगे महंगाई इतनी है, 20000 तो बिजली का बिल आ जाना है, ऐसे ही है ना आज के दौर में, चले आगे बढ़े, फिर अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं हम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की बातें जो क्या करती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्या करती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पाकिस्तान में जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो कितनी है, कितने किस्म की है, कितनी टाइप्स की है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, शाबाश,
अलग अलग एबिलिटी के लोग मिल जाते हैं और एक टास्क को परफॉर्म करते हैं और उनका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। ये हमने पहले दिन कंसिडर कर लिया था, हो गया था ना पहले दिन। चलो, ग्रुप ऑफ पीपल मिल गए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसको हमने क्या नाम दे दिया, फर्म का, कंपनी का, फैक्ट्री का, शॉप का, वर्कशॉप का, ऐसे ही था। उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, फर्म भी कहते हैं, यही बातें थी सारी। लीजिए, पाकिस्तान में इसकी कितनी टाइप्स होती हैं देखो, इन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव, इन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की समझ लेते हैं, टाइम होना मुझे खुद बता दीजिएगा, मुझे टाइम का पता नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन which is governed, run, financed by government। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको चलाती कौन है, जिसके सारे फैसले कौन करती है, जिसको पैसा कौन देती है, उसको क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न रन फाइनेंस्ड बाय जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, उसको क्या कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर का मकसद प्रॉफिट मेकिंग है, नहीं है। केड़ी दस कोई टैक्स बेटा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, टैक्स प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। इको में पढ़ लेना वो क्या चीज होती है। गवर्नमेंट सेक्टर गोल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, गोल क्या है उसका, ठीक है, टू सर्व कम्युनिटी, वो और चीज होती है। वो खजाने वाले पैसे बाद में करवाऊंगा पूरे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ज्यादा पूरे करवाऊंगा, फिक्र ना करो। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? कि हमने एक बात नोट की, जो गवर्नमेंट इदारे बनाती है उसका मकसद हरगिज प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका हरगिज मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं। तो फिर इसका मतलब हम इसको तो नहीं पढ़ेंगे आज, हमने क्या चीज पढ़नी है, वो ऊपर लिखा होगा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर हम किसको पढ़ने लगे हैं, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जिसको जनरल पब्लिक रन करती है। इसमें फोर टाइप्स होती हैं। नंबर वन, सोल प्रोप्राइटरशिप। परसों से मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। नंबर टू, पार्टनरशिप। नंबर थ्री, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड नंबर फोर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बात को गौर से समझ लो, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों में फर्क है। स्टूडेंट इनको मिक्स करते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, डिफरेंस है, इसको मिक्स नहीं करना। पब्लिक लिमिटेड का वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो कौन सी कंपनी है जिसको प्राइवेट लोग रन कर रहे हैं, जिसको प्राइवेट लोग रन कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? क्या इस साइड से अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा, मुझे बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े, अगर किसी का क्वेश्चन हो ना और मैं देखना पीछे रहा हूँ तो बुला लिया कीजिए मुझे। ले जी, अब इन दो कंपनीज को हम कॉरपोरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरपोरेशंस। इन दो कंपनीज को हम कॉरपोरेशन भी कहेंगे। ओ पुत्र छोड़ दे लिखना, ओ बच्चे पहले समझ लें, ये सारा लिखा हुआ है, मैं मिटाऊंगा कुछ नहीं, फिर आप कर लीजिएगा। नॉट एप्लीकेबल, प्रॉफिट मेकिंग एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर। सिर्फ ये वुजरा के लिए प्रॉफिटेबल है, आप लोगों के लिए नहीं है।
ठीक है, इकोनॉमिक्स में आने तो बहुत कुछ कैमरा ऑफ करके बताया करूँगा। वो बता दूंगा ना, जाना सांस तो ले जा, अभी हौसला तो कर। और कोई क्वेश्चन? सेमी गवर्नमेंट होते हैं वो होते कौन से हैं? हाँ, डीपीएस आईवाल, अब मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ऑनलाइन वालों ने धज्जियाँ उड़ा देनी है मेरी पूछ पूछ के क्वेश्चन, ये पूछे क्या किया गया क्वेश्चन। तो सेमी गवर्नमेंट होती है ना, उसका एक चार्टर अलग होता है, ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन के मैं चार्टर पढ़ाऊंगा आपको कैसे रजिस्टर्ड होती हैं। जो सेमी गवर्नमेंट होती है वो अलग कानून के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो वो जो अलग कानून है आप लोग कैफ 7 में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? कैफ 7 में। तो अगली कोमो वाली बातें पिछली कोमो से रहने दें, अभी अपने कोमो वाली बात कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे इसको। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? पक्की बात है, सेल प्राइस यही रिटेल प्राइस है 11,000, इसको MRP कहते हैं। क्या कहते हैं? MR, ये मैंने चैप्टर 7 में पढ़ाना था, चलो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्जिनल रिटेल प्राइस भी कई लोग इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर काउंटर शेल्फ, कभी ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर पे गए हो जिसके ऊपर चीज़ों की प्राइस लगी हुई होती है, उसको वहाँ से उठा लो, ट्रॉली में रखो, उसको जाके बिल करवाओ, जो प्राइस वहाँ पे लगी होगी बिल में भी वही प्राइस आएगी सेम, क्योंकि ये क्या लगी हुई है? MRP। क्या लगी हुई है? MRP। MRP का मतलब है टैक्स उसमें इंक्लूड है, सेल्स टैक्स होता है ना। समटाइम क्या होता है, ये मार्कर 100 रुपये का है, जब मैं इसको बिल करवाऊँगा तो 117 रुपये लगेंगे, तो वो बिल में 17 रुपये GST के आ जाएंगे। GST के मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आ जाएंगे, या जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं, पता नहीं मैं भूल गया हूँ। यार आप पहले भी पढ़ते रहे हो? नहीं, आगे वाला? हाँ हाँ, कहाँ पे? पक्की बात है, तेरे से मिलता जुलता इंसान मैंने पहले भी देखा था क्लास में। चलो, तो वो MRP नहीं होती है, वो MRP ऐसी प्राइस है जो शेल्फ के ऊपर लगी होगी और इसमें टैक्स क्या होगा? इंक्लूड होगा। ठीक है, चलें आगे फिर। कोई और क्वेश्चन? फुल फॉर्म, हाँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम है, ये तो उतनी नहीं जान लगी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, गोरेस को क्या कहते हैं? सीलिंग प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिंग प्राइस, सील प्राइस भी कहते हैं इसको, सील सील सील, सीलिंग होता है ना छत, उसी से निकला हुआ ये वर्ड, कि ऐसी प्राइस जो छत को लगे और नीचे आ जाए, इससे ऊपर ना जा सके, तो ये मैक्सिमम इसी सेंस में है। और क्वेश्चन? मोटरवे पे वो MRP नहीं ना होती, वो तो उनकी अपनी मर्जी की रिटेल प्राइस है, उसके ऊपर किसी का कोई है थोड़ी ना। ये स्वेटर कितने का लिया? सपोज 1,000 रुपये का, मैं कहता हूँ मुझे बेच दे, कहते सर आपको मैं 2,000 का बेचूंगा, मैंने उससे अलावा नहीं बेचना, मर जो मेरी तरफ से सर्दी से, हो सकता है ना ऐसे? आपकी मर्जी है ना। चलें आगे बढ़े गर्ल साइड से। चलें, तो हम लोगों ने फैसला क्या किया, हमारे सामने 4 कंपनीज होंगी, 4 फैक्ट्रियाँ होंगी, 4 फर्म में होंगी, 4 ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं, जिनमें से 2 टाइप को कॉरपोरेशन भी कहते हैं और 2 टाइप अलग अलग ही होती हैं, 2 टाइप अलग अलग ही होती हैं। फैसला हमने क्या करना है, हमने क्या मैन्युफैक्चर करना है? गुड्स एंड सर्विस। और कौन लोग गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर करेंगे? ये 4 कौन लोग करेंगे? ये 4। फैसला हमने क्या करना है, गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर करने हैं। क्यों मैन्युफैक्चर करने हैं? ताकि हम कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करने के लिए हमें फर्म चाहिए, चाहिए yes, और फर्म ये 4 हैं। फर्म क्या है? ये 4। अब हम सेलेक्ट किस तरह करेंगे कि कौन सी फर्म बनाई जाए ताकि चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए, कैसे फैसला करेंगे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप आता है सबसे पहले। क्या आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब क्या होता है? कल्ला, बिल्कुल, सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा कारोबार, ऐसी फर्म जिसमें सिंगल ओनर हो, कौन सा ओनर हो? सिंगल ओनर, सिंगल ओनर।
ऐसा कारोबार जिसको चलाने के लिए अकेला मालिक हो। सारा फंड कौन लेके आएगा इस कारोबार में? फंड का मतलब कैपिटल कौन अरेंज करेगा? सिंगल ओनर, ठीक है। उसके बाद मैनेजर, मैनेजमेंट टीम कौन बनाएगा? कौन? सिंगल ओनर, खाली ओनर नहीं, सिंगल ओनर। इसका नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखें? एक्स, और ये बकवास बातें हो गई हैं। शॉन, क्या नाम रखें? शॉन। तो सिंगल ओनर का मतलब क्या हुआ? शॉन, क्लियर है? ये मेरे नॉवल का ना एक करेक्टर है, मैंने पूरी बुक ही अपने नॉवल पे बनाई हुई है, ये पूरी बुक है मेरी, कल से देना शुरू कर दूंगा नोट्स आपको, ठीक है। इस लेक्चर के लास्ट पे दिखाऊंगा अभी के क्वेश्चन पेपर में आएंगे कैसे और आपने सॉल्व कैसे करने हैं। तो शॉन मैनेजमेंट टीम भी बनाएगा, फंड भी लेके आएगा, रिस्क कौन बेयर करेगा? शॉन, रिस्क ऑफ लॉस। सारे का सारा प्रॉफिट, प्रॉफिट टेकर कौन होगा? अकेला शॉन, प्रॉफिट टेकर अकेला शॉन होगा। यहां पे एक प्रॉब्लम है शॉन के साथ, वो क्या है? रिस्क ऑफ लॉस। अगर रिस्क ऑफ लॉस जो है इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी किसे कहते हैं? जिम्मेदारी। अकाउंटिंग पढ़ रहे हो क्या? कोई लायबिलिटी उल्टी पड़ा है? बबलू सुना यार, कैसा है? क्या नाश्ता किया हुआ है? ये सारे अंडा पराठा क्यों खाते हो यार? कल से मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी अंडे पराठे खा के आऊँगा, जल्दी तैयार हो जाता है। खुद कभी पराठा बनाना आता है आप में से कई लोगों को? एक दो तीन, गर्ल्स को कितने को आता है? बस बड़ी अच्छी बात नहीं है, तो सबको आना चाहिए था। चलें जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ज़रा बात को ना बड़े पैमाने पे समझते हैं। कौन से पैमाने पे? बड़े पैमाने पे। शॉन ने कारोबार शुरू किया, शॉन ने कारोबार शुरू किया, शॉन के पास फंड था, फंड को हम क्या कहेंगे? फाइनेंस। क्या कहेंगे? फाइनेंस, फाइनेंस या फंड। शॉन भाई के पास फंड था 10 लाख रुपया, कितने का? इसने अपने अब्बा से कुछ उधार उठाया, इसने अपने अब्बा से बोरोइंग की, पर्सनल बोरोइंग। जो अब्बा से बोरोइंग होगी उसे क्या कहेंगे? पर्सनल बोरोइंग। इसने अपने अब्बा से बोरोइंग की, लाइक 5 लाख अब्बा के पास था, टोटल कितना हो गया? 15 लाख। टोटल कितना हो गया? 15 लाख। कोई ऐसा तो नहीं है जो बड़ा शाय फील कर रहा है क्लास में बैठे हुए और उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए लड़कियों में से या लड़कों में से? कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसके अंदर से आवाज़ आ रही हो कि मैं लाहौर आ गया हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में? आप हो? पक्की बात है? चलो फिर आपने ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। देखो मैंने पहले कहा था ऐसे हंसना नहीं है, दोबारा मत हंसिएगा, लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से। मैं आप लोगों को ना ऑनलाइन वालों, आपको और आप लोगों को एक बात छोटी सी समझा देता हूँ। इस क्लास से निकल के बाहर जाओ, जहाँ पे लोग कारोबार कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, नौकरियाँ कर रहे होते हैं, वहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेग बुलिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, पीठ में छुरा घूमेंगे। क्यों? वहाँ पे जेलसी है। जेलसी क्यों है? वहाँ पे कंपटीशन है। क्लासरूम एक वाहद वो जगह होती है जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों के ऊपर जो दूर दराज इलाकों से या लाहौर से ही आए हों लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस ना हो, अगर आप उनके ऊपर हंसते हो तो बेसिकली आप अपनी छोटी ज़हनियत शो करवा रहे हो। छोटी ज़हनियत मतलब इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। सपोर्ट करो एक दूसरे को ताकि आप लोग ग्रूम करके इससे दायरे से बाहर निकल सको। ऐसे हंसते रहोगे तो वो बेचारा कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकेगा। इतनी सी बात समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को, इसी वजह से पाकिस्तानी फिर जलील होते हैं। बहुत कम लोग हैं सपोर्टिव। आपके ख़ानदान में देख लो, आपके ख़ानदान वालों ने सपोर्ट किया होगा जब आपने कहा मैंने सीए में जाना है? उनके अगर ना करी बड़ा औखा ही, फेल हो जाएंगे, एंजो होइएगा, मर जाएगा, सीए वाले देखे इतों लाते निकल आँगी, इतों ही लाते टूट जाती है, ऐसे ही है ना, गंजे हो जाओगे क्या? हाँ अच्छा है, उनको कहा करो मैं उधर काम कर रही हूँ, नर्स लग गई हूँ। सही बात है। आप लोग कहा करो मजदूरी करने पे पा दी लोअर गए, इतना टोटो कि ना बस हो गई है।
आप में से कितने लोग झूठ बोल के आए हो सीए में? वैसे ये ऑनलाइन मैं लेक्चर यूट्यूब पे नहीं जाने दूंगा, तो आपके फैमिली वाले नहीं देख सकेंगे क्या बोल के आया है। अम्मा अब्बा को नहीं, खानदान वालों को पीयू में एडमिशन लिया ताकि वो कोई जादू ना कर सकें। नहीं तो समटाइम जादू कर देते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। MIT में, चलो अल्लाह पाक यार आप लोगों को कामयाब करें। नज़र लग जाती है, अम्मा कहती है ना नहीं बताना उसको, नज़र लग जाएगी। आप ज़रा सब्र करो, थोड़ा सा आगे जाओ कैफ में, आपको पता लगेगा एक आध पेपर में उड़ गया ना तो खाला ने जादू किया हुआ था, फुफो ने जादू किया हुआ था, इस वजह से ये हो रहा है। सारा पेपर सही करके आते हैं लेकिन वो जादू की वजह से ना फेल हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बस अपनी लाइफ पे फोकस करो और कोशिश करो यार किसी पे हंसना नहीं है। ले जी भाई साहब, क्या नाम क्या है यार हीरो तेरा? जासिम। जासिम यार कितने पैसे हो गए तेरे को? 15 लाख, 10 लाख ते 5 लाख, कितना हो गया? 15 लाख रुपीज़, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन उसके पास आ गए। अब वो और पैसे लेना चाहता है लेकिन है नहीं है। चलो उसने 1.5 से कारोबार शुरू कर लिया, 15 लाख से इसको 1.5 मिलियन भी लिखते हैं, गोरे इसको 1.5 मिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल। ठीक है, क्लियर है। चलो उसने 15 लाख से कारोबार शुरू किया, उसने FOPs लगाए 15 लाख से, उसको ऑर्डर आना शुरू हुए, काम चलना शुरू हो गया। उसको ऑर्डर आया 40 लाख रुपए का, कितने का? 40 लाख रुपए का उसको ऑर्डर आ गया। अब उसके पास माल बनाने के लिए इतने पैसे नहीं है तो वो बैंक के पास गया। किसके पास गया? बैंक के पास गया। बैंक से उसने 25 लाख रुपया उधार ले लिया। बैंक उसको ऐसे ही उधार दे देगा? ना ना ना, वो कहेगा कोई चीज़ मेरे पास मोर्टगेज करवाओ। क्या करवाओ? मोर्टगेज। मोर्टगेज किसे कहते हैं? अभी दो चीज़ें बताने लगा हूँ, और प्लेज। मोर्टगेज और इसे कहते हैं गिरवी रखवाना। ऐसे उर्दू लिख दिया करो, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चले, क्या कहते हैं? गिरवी रखवाना। मसलन आप मुझसे कहते हो सर मुझे ना 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मैं कहता हूँ पहले अपना आईफोन 14 मेरे पास रखवा दो, ये ना हो तो भाग जो 1 लाख रुपया लेकर, तो फिर दूंगा। इसी तरह इसने अपने घर के कागजात गिरवी रखवाए। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे हैं, मोर्टगेज और प्लेज। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी? ऐसी प्रॉपर्टी जो आसानी से मूव हो सके, अगर आप बैंक के पास वो गिरवी रखवाते हो तो उसे कहते हैं प्लेज करना। उसे क्या कहते हैं? जैसा कि गोल्ड, जैसा कि गोल्ड। गोल्ड मूवेबल है? है ना। और अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अपनी जगह से हिल ना सके, अगर उसको आप गिरवी रखवाते हो तो उसको क्या कहेंगे? मॉर्गेज। मैं इसके साथ इमूवेबल लिख रहा हूं। उसको क्या कहेंगे? मॉर्गेज। क्या कहेंगे? मॉर्गेज। क्लियर है। अगर मैंने गाड़ी रखवा दी गिरवी तो उसको क्या कहेंगे? शाबाश, गाड़ी मूवेबल है ना, तो उसको हम प्लेज कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अगर कोई ऐसी मशीन जो मेरी फैक्ट्री में लगी हुई है उसके कागजात मैंने गिरवी रखवा दिए तो मूव, हाँ इमूवेबल होती है। जो मशीन लग जाती है वो जल्दी उखड़ती नहीं अपनी जगह से, तो उसको भी मॉर्गेज कहेंगे। क्लियर है। ले जी, अब हुआ क्या, मैंने ना कोई बोरोइंग कर ली, कोई मैंने बोरोइंग कर ली लोकल लोगों से, उधार पे माल ले लिया। क्या ले लिया? उधार पे माल। उसे कहते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पढ़ा अकाउंटिंग में कि नहीं? अभी पढ़ लोगे। चलो अगर मैं रॉ मटेरियल, अगर मैं रॉ मटेरियल उधार पे खरीदूं, रॉ मटेरियल किस पे खरीदूं? उधार पे, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रेड पेबल। क्या कहेंगे? ट्रेड पेबल। तो भाई साहब मैंने 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल भी खरीद लिया, 10 लाख रुपए का मैंने रॉ मटेरियल भी खरीद लिया। अब मैंने माल बनाना शुरू किया, मैंने माल बनाना शुरू किया, मेरे वर्कर्स ने वेस्टेज करना शुरू कर दी। ठीक है, मेरे वर्कर्स ने तनख्वाहें ज्यादा मांग ली, फैक्ट्री रेंट ज्यादा चला गया, बिजली ज्यादा जाना शुरू हो गई। अभी जैसे हालात हो रहे हैं, मैंने कभी सर्दियों में लोड शेडिंग नहीं देखी थी, अभी सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। बिजली पर यूनिट एक्सपेंसिव हो गई, बिजली पर यूनिट एक्सपेंसिव हो गई। तो मैं क्या करूँगा, जो 40 लाख का माल था मैन्युफैक्चरिंग होके वो मुझे 42 लाख का पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग होके कितने का पड़ा? 42 लाख का। कितने का पड़ा? 42 लाख का। तो 2 लाख का क्या हो गया? ये 2 लाख तो मेरे पास है ही नहीं,
मैंने तो अपनी सारी चीजें लगा दी हुई हैं इसके अंदर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये 2 लाख रुपया मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा जैसे मर्जी करके, मैं अपनी अम्मा का सोना बेचूं, अपना सोना बेचूं, कुछ भी बेचूं, कुछ भी बेचूं, मुझे ये 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। सिंपल सी बात याद रखो, मैंने जितने से कारोबार शुरू किया, भाई साहब क्या हाल है, मुंह में सपारी डाली हुई है ना, ना पीछे वाला, हाँ नहीं नहीं आगे वाला, तेरे से गुंडले बालों वाला क्या है मुंह में, पक्की बात है? अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे पान खा रहा था। खाता है वैसे, क्या खाता है? खाना तो खाता है ना, गुटखा खाता है, गुटखा किसने खाया है, खाना तो खाता है ना। चलें वापस आ जाते हैं, डायरेक्टिव होके बैठिए, कोई बोर तो नहीं हो रहा? आप में से कोई बोर हो रहा हो रही है बोर? गाना सुनाओ। कौन सा गाना सुनाओ? हाँ और फिर ऑनलाइन वाले कहें सर हमें व्हाट्सएप पे गाना भेजिए सुना के कोई। चलिए वापस, तो भाई एक्टिव बैठा करो, बोर हो तो मुझे बता दिया करो। तो वापस आते हैं, अगर 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 क्या अगर इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने की की, कितने की 15 लाख पहले थी, 15 लाख पहले थी, 25 लाख का फिर लोन ले लिया, 10 लाख का, 10 लाख का उधार पे माल खरीदा, कहाँ गया 10 लाख, ये उधार पे माल खरीदा, टोटल कितना पैसा हो गया कारोबार में, कितना 50 लाख बनते हैं, ठीक है 50 लाख टोटल कारोबार में आ गया। और होते होते नुकसान, अगर मुझे नुकसान ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, नुकसान ज्यादा हो जाए, लॉस ज्यादा हो जाए, तो जितनी एक्स्ट्रा लॉस की अमाउंट होगी, 50 लाख तो गया ना मेरा, उसके अलावा भी लॉस पूरा नहीं हो पा रहा, तो मैं अपनी जेब से पे करूंगा, मैं अपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब होता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जितना मर्जी नुकसान हो मेरा सिर्फ क्या जाएगा 50 लाख, मेरा सिर्फ क्या जाएगा 50 लाख, जितना मर्जी नुकसान हो, करोड़ का हो जाए मैं क्या करूं, उधार पे माल उठाए हुए लोगों से, नहीं दिए गए, बस नहीं दिए गए, ले जाओ मेरी मशीनें उठा के, मेरी कंपनी उठा के, मेरी वो पर्सनल गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पे ओके, गड्डी बेचो अपनी, मोटरसाइकिल बेचो अपना, कार बेचो अपना, सामने पैसे दो। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई, जो अगर नुकसान आपकी लगाई गई कीमत से, आपकी लगाई गई मालियत से, उर्दू में लिखूं यहां पे नहीं, ओके 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 ओके, इफ द लॉस इनकर greater than invested amount, कॉमा लगा हुआ है यहां पे, the firm, the owner has to pay from its personal pocket, personal pocket, pocket। अगर नुकसान उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए, अगर नुकसान उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन है, ज्यादा हो जाए, तो ऑनर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अपनी कहां से, पर्सनल पॉकेट से। इसको क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। इसको नोट करना है या फोटो लेनी है, क्योंकि शॉन ने सोल प्रोप्राइटरशिप खुवाई हुई है, आगे चल के शॉन को अकल देंगे, वो लिमिटेड लायबिलिटी भी कर सकता है, ठीक है, इसको नोट मारें भाई साहब जी। जाहिर सी बात है, बैंक हमारा चाचू थोड़ी ना है, बेशक रखवाया है, वो कहेगा तूने ये बिल्डिंग मैंने चाटनी है, मैं बैंकर हूं, मैं कहूं भाई जाने मैं की करना है, मैं कड़ा बेच रहना थोड़े घर छा के, हाँ नहीं हम जब डिपॉजिट करवाएंगे तब प्रॉफिट होगा ना। दो चीजें हैं, एक बैंक लोन देता है और एक लोन लेता है। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा के अपना पैसा रखवाते हो तो बैंक आपसे लोन ले रहा होता है,
ठीक है, और जब आप बैंक से लोन लेते हो तब बैंक आपको लोन दे रहा होता है, तो बैंक दोनों सूरत हाल में इंटरेस्ट कमाता है। हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, बैंक में पैसा रखवा क्यों रहे हो, वो लालच देता है ना आपको। अभी तो उसके ऊपर बड़ी थ्योरीज पढ़ानी है मैंने, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, बस रोज का काम रोज करो, एक्टिवली बैठा करो, तो ऐसे ही पूरा खत्म हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट आपके। हाँ डिफॉल्ट कहेंगे, बैंकरप्सी भी कहेंगे, कल करवाता हूँ वो। इस कंडीशन को क्या क्या कहेंगे, डिफॉल्ट और बैंकरप्सी। ये सिर्फ लास्ट वीक है जिसमें मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई टर्म्स आपके साथ फेमिलैरिटी नहीं थी, अब हो रही है ना, तो फिर मैं इतना ज़्यादा उसको उर्दू में या गहराई में फिर एक्सप्लेन नहीं किया करूँगा। हाँ अगर नहीं आपको समझ आएगी तब तो एक्सप्लेन कर दिया करूँगा ना, ठीक है। दो मिनट लेके इसको ना, नहीं अभी बंद नहीं करना, मैंने इनको दिखाना है कि करना क्या है ऑनलाइन वालों को घर पे। लिमिटेड कंपनी की आज बात नहीं करेंगे, अनलिमिटेड की। नहीं देगा, आगे चल के पढ़ेंगे, जो लोन देने वाला होता है ना वो इनसे ज्यादा होशियार होता है। बैंक ने कितने का लोन दिया, 25 लाख का, मैंने इसी वजह से तो ये लिख दिया था सारा कुछ, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने हैं। कितने का लोन दिया, कम से कम 40 लाख की इसकी प्रॉपर्टी रखवाएगा, 40 से 50 लाख की इसकी प्रॉपर्टी रखवाएगा, कम से कम मिनिमम 40 से 50 लाख की प्रॉपर्टी को अपने पास मॉर्गेज करेगा, तब 25 लाख की लोन देगा। आईकॉम किया हुआ है, I2A में क्या पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, दो है I2A में, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओ भाई वो सेपरेट लीगल नहीं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, खेड़ा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, बातें नहीं करें वो प्यारे बच्चे, नंबर एक्सचेंज कर रहे हो उसके साथ, बाद में कर लेना यार। जो आपने I2A में पढ़ा है उसका मतलब क्या है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पक्की बात है सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी क्या कहा है सर ने, लीगल नहीं यार, ना 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 लीगल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, लीगल ही है। बुक तो लिखी है, दहाओ जरा कोई किताब हो ना, हो नोट्स आते बहाओ यार, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कितने हाथ लगा के दिखाना यार। अच्छा जी, सेपरेट लीगल एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी इज़ अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, ये ठीक है। इन अदर वर्ड्स द बिजनेस एंटिटी एंड इट्स ऑनर आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है। द कॉन्सेप्ट हैज़ लीगल सब्सटेंस इन केस ऑफ कंपनीज, इन केस ऑफ कंपनीज। पढ़ना भी नहीं आ रहा तुम लोगों को, वही आहो लिख लिया मैं, पढ़ लिया प्रा पढ़ लिया। सिर्फ कंपनीज में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो मैं कल करवाऊंगा आपको, कब करवाऊंगा कल। हाँ जी पढ़े पढ़े, however in accounting the concept is applied to all the types of business whether sole or bete, wo separate entity ki baat kar raha hai, exception ki baat, tujhe ye law ki language likhi hui hai, theek hai, padh ke sunaun kaise padhte hain isko online walon, aapne mujhse accounting ka koi question nahi puchna, ye bas bablu mera dost hai is wajah se isko bata raha hu, isko aise padhte hain, this concept has legal substance, kaun sa concept, jo upar wali line mein likha hua hai, jiski tashreeh kar raha hu main कानूनी तौर पे, सही है। फॉर इंस्टेंस कंपनी बाय लॉ इज अ लीगल पर्सन, कौन सा कंपनी, कौन है कंपनी बाय, कौन है कंपनी है क्या, लीगल पर्सन, फर्म और पार्टनरशिप तो नहीं है, कंपनी है, कंपनी का मतलब कॉरपोरेशन, कंपनी का मतलब क्या है कॉरपोरेशन, जो नीचे वाली लाइन लिखी है वो कॉरपोरेशन के लिए लिखी हुई है। हाउएवर इन अकाउंटिंग इट इज the concept is applied to all business whether sole trader partnership or business, ठीक है, जो नीचे वाली लाइन है, जो sole trader partnership होंगे उन पे लगेगा separate entity concept, कौन सा separate entity, legal entity उस पे लग ही नहीं सकता। ये किसका है आपका, if the loss incur, होना हो जाना, जैसे कहते हैं ना कोई expense करना तो expense incur करते हैं, अगर कोई लॉस हो गया, अगर कोई लॉस हो जाता है इज इनकर्ड कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है ग्रामर की रूल से, वैसे इनकर्ड होता है,
इनकर्ड सही रहेगा, ये ग्रामर की रूप से अब ठीक है। बाकी प्रोसेस कॉस्ट होती है, देखो फैक्ट्री रेंट होता है, मैं उतनी डिटेल में नहीं गया, अभी आपकी अकाउंटिंग इनिशियल स्टेज पे है। चैप्टर फोर में देखना कैसे मत मारता हूँ आपकी अकाउंटिंग की, इसमें चैप्टर फोर आने दो। जाहिर सी बात है हमने रेंट देना है, सैलरियाँ देनी है, वेजेस अलग देनी है, सैलरियाँ अलग देनी है, फिर उसके बाद बिजली का बिल ज़्यादा आ गया औकात से, फिर मज़दूरों ने कहा इन्फ्लेशन हो रही है मार्केट में, आटा इतने महंगा हो गया, कल आटे का निकाला था ना सारा, ठीक है तो हमें पैसे ज़्यादा दो, तो फिर वो करते कराते कराते करते 4-5 महीने में नुकसान इतना हो गया जी। यहाँ से किसी ने कुछ पूछना था? हाँ दिया होगा, तो अल्टीमेटली तो 40 लाख ही आना है ना, बेशक उसने 50 लाख बयाना दे सकता है, बयाना 15 लाख दिया होगा, 12 लाख दिया होगा, बाद में सेटल डाउन तो 28 लाख ही करना है ना, अगर 12 लाख भी दिया है तो अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट, अल्टीमेटली वी गॉट 40 लाख, तो उसमें से तो नुकसान तो हो गया ना। बयाना मतलब एडवांस पेमेंट, जो लोकल कारोबार होते हैं उसमें अगर आपने 40 लाख ऑर्डर दिया तो ऑर्डर तब कंफर्म होता है जब आप कुछ एडवांस दे देते हो, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आप ना कैमरा तब तक बंद कर दें जी बेटा। 40 लाख बेटा मतलब था हमें ऑर्डर मिला, मुझे किसी ने कहा कि मुझे 40 लाख का माल बना के दें, ठीक है मैंने माल बनाना शुरू किया, इन्फ्लेशन की वजह से, वेस्टेज की वजह से, रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, तो माल कितने का बना? 42 लाख का। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये सेल प्राइस नहीं है, हालांकि होनी कितनी चाहिए थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 35 लाख, 5 लाख बचत आ जाती, ऐसा ही है ना, शुरू में बोला ना हमने प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कितना आई? 42 लाख, तो नुकसान कितने का हो गया? 2 लाख। अब ये मैं अपनी जेब से पूरा करूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये भी मैंने पढ़ाना ही नहीं है। और क्वेश्चन क्या होती है? अब मैं आपको प्रोजेक्टर से जरा दिखा दूं, ऑनलाइन वालों आपको, फिर लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। इसकी फोटो ले लिया करें या ये लगा रहेगा, मैं बस दिखा के ना कैमरा ऑफ करके फिर इसको करवा देता हूँ, फिर आप कर लें इसको नोट आराम से, बस ऑन हो गए। बोरिंग तो नहीं लग रहा? पक्की बात है, आसानी से समझ आ रही है जी? इससे कौन मुझे, दो दफा मुझे हुआ कि सर किसी ने कहा है और फिर खामोश हो गए जी। बेटा कहां से? पचास लाख में किस किस का हिस्सा है? 25 लाख बैंक ले जाएगा? ना 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 ना, 15 लाख हमारे। हाँ ठीक है, हाँ जब नुकसान हुआ, नुकसान कितने का हुआ? 42 लाख, 2 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है। हम चाहे 15 से पे कर दें, जिससे मर्जी पे कर दें, हो गया पे। अगर नुकसान ये 50 से भी ज्यादा का हो जाए, अभी तो मैंने सिर्फ कारोबारी नुकसान बताया ना ये वाला, अगर नुकसान खुदा ना खास तक किसी वजह से इतना ज्यादा हो जाए कि 25 बैंक को दे दें और उसके बाद 10 लाख ट्रेड पेबल को दे दें, बाकी कितना बचा? 15 लाख, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ ना, 15 लाख मेरा खुद का, 25 लाख बैंक का और 10 लाख उधार लिया हमने, इनके वापस, इन दोनों के वापस कर दिए, कर दिए, ठीक है। मेरे पास कितना बच गया? 15 लाख, मुझे नुकसान हो गया 18 लाख का। मैं आपको नुकसान चैप्टर नंबर 4 में करके दिखाऊंगा कि बाकी में नुकसान होते कैसे हैं। 18 लाख का नुकसान हो गया, अब 3 लाख मैं कहाँ से पे करूँ? ठीक है, अभी अकाउंटिंग में बेशक मत जाओ, लेकिन एक दफ़ा लिख लोगे ना तो जब रिवाइज करोगे तो खुद ब खुद मेरी बातें याद आ जाएंगी। और क्वेश्चन? ये आ रहा है कि शीट, लाइट आ रही है, शीट करो बेटा, सिर्फ मुझे एक मिनट फिर दीजिए ऑनलाइन वालों के लिए। अब देखिए ऑनलाइन वालों करना क्या है, और हम लोगों ने करना क्या है, घर पे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पहले दिन करवा दी थी कि नहीं करवा दी थी? इसमें कोई एतराज तो नहीं है? पढ़ दूं? क्यों पढ़ूं, खुद पढ़ लेना, इंग्लिश नहीं आती। सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है आप लोगों ने, दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ना है, पहला और दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला और दूसरा पैराग्राफ आप लोगों ने घर से पढ़ के आना है। ना समझ आई कल पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन वालों इसको आपने पढ़ना है, ना समझ आई तो व्हाट्सएप है ना,
टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितनी किस्म की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? चार। कितनी किस्म की? चार। ये मैं यहाँ से ये कल पढ़ाऊंगा, बल्कि ये मैंने पढ़ाना नहीं, मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दें। पहली कौन सी आज पढ़ी है? आप लोगों ने घर से ये पहला पूरा पढ़ के आना है, सारा समझ आ जाएगा। जो पीछे लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, ये पहला ही है। एडवांटेजेस नहीं पढ़ने, सिर्फ क्या पढ़ना है? ये वाला पहला 2.1.1। ऑनलाइन वालों आपने भी और आपने भी, समझ आ गई बात की? कोई क्वेश्चन? नहीं, ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।